नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रेकी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस लोअर PCS की क्लास में आज हमने सामान्य अध्ययन के आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जिनका लेवल दोस्तों आप लोग देखकर ही बता सकते हैं काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो फिलहाल अपने ज्ञान को परखिएगा, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको मिल सकें, और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और दोस्तों, अब आप लोग हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमें फॉलो करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ से क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर वहाँ पर टाइप कर सकते हैं दीपांशु सक्सेना, देन आप लोग वहाँ से भी हमें फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आप लोग के सामने आपका सबसे पहला क्वेश्चन, क्या है देखिए। भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में अपनी तरह की पहली उपलब्धि हासिल की है, तो वह उपलब्धि जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर आप लोग के चार ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, आप लोग सोचिए तब तक इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका आंसर बताइए, अगर नहीं पढ़ा तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, टिशू कल्चर से बांस पर जल्दी फूल उगाना, आर्थिक रूप से लाभप्रद वृक्षों और फसलों की ऊतक संवर्धित किस्मों का सूक्ष्म उत्पादन, अनुवांशिक बदलाव से निर्मित बेहतर खमीर किस्मों से औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन, या फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए क्या दिया गया, कि भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने जैव प्रौद्योगिकी ने क्षेत्र में विश्व में अपनी तरह पहली उपलब्धि हासिल की, तो यह जो उपलब्धि थी किस क्षेत्र से थी, तो आपको बता दें इसका जो आंसर है, सही उत्तर जो है, ये टिशू कल्चर से बांस पर जल्दी फूल उगाना। किससे? टिश्यू कल्चर से बांस पर जल्दी फूल उगाना। तो जिसका आंसर यहाँ पर ए आया था बिल्कुल सही है, और जिसका नहीं है तो आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा आप लोग के सामने। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है ये 1953 में हुई थी। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है ये 1953 में हुई थी। बताइए ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी की स्थापना ये किस वर्ष हुई, 1952 में, 1953 में, 1954 में, या फिर 1956 में? तो बिल्कुल आसपास का ही आपको बता दें, और इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये है उसके नेक्स्ट ईयर 1954। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर सी आया है बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, और मैं जो भी आप लोगों का क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग याद कीजिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, इतना सपोर्ट, बस आपको इतना ही सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके शेयर कीजिए। बाकी मैं दोस्तों आप लोगों के लिए इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, वही सारे मैं डिस्कस करूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा और फालतू क्वेश्चन हम आप लोग के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे अलग आप लोगों को कुछ अलग हटके रही यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, आइए देखते हैं। देखिए, ललित कला अकादमी प्रत्येक तीसरे वर्ष भारत के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करती है। जो ललित कला अकादमी है ये हर तीसरे वर्ष में भारत के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक इंटरनेशनल लेवल तक का जो प्रदर्शन का आयोजन करती है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस प्रदर्शनी का नाम क्या है, वर्तमान भारत, भारत दर्शन, भारत महावलोकन, या फिर त्रिवार्षिक भारत। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जिसका भी आंसर आ रहा है त्रिवार्षिक भारत बिल्कुल सही है। तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रदर्शनी का नाम क्या है, तो इस प्रदर्शनी का क्या नाम है, तो यह है त्रिवार्षिक भारत। ये ललित कला अकादमी का जो है ये हर प्रत्येक तीसरे वर्ष भारत के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का आयोजन करती है, और इस प्रदर्शनी का जो नाम है ये है त्रिवार्षिक भारत। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है। और मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें आप लोग को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि लोअर PCS के एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होंगे, और इसका जो आप लोग का राइट आंसर जानते होंगे ये है दिल्ली। ठीक है, तो आप लोग का भारतीय युद्ध स्मारक का जो पुरातत्व संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में। इजी क्वेश्चन था आप लोग के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये बताइए आप लोग कि लक्षद्वीप के सभी द्वीपों की जो मुख्य भाषा है, दोस्तों जो लक्षद्वीप समूह है तो वहाँ के सभी द्वीपों की जो भाषा है, मेन जो लैंग्वेज है वो मलयालम है, सिवाय एक द्वीप के। तो आपको दोस्तों यहाँ पर यह बताना है कि उस द्वीप का नाम क्या है जहाँ की भाषा माहल है।
ठीक है, आप लोग ये तो जानते हैं कि लक्षद्वीप की जो है भाषा क्या है, मलयालम है सभी द्वीपों की, लेकिन एक द्वीप ऐसा है जिसकी भाषा मलयालम नहीं है, उसकी भाषा क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है, इसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये जो आप लोग का द्वीप है ये मिनिकाय, तो मिनिकाय द्वीप की जो भाषा है ये है माहल। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी आदि इमारतों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार का कार्य सर्वप्रथम किस वायसराय ने शुरू किया था। ये दोस्तों जो फेमस चीज़ें हैं, जो इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इनका संरक्षण और इनका पुनरुद्धार, ये इसका जो कार्य था सबसे पहले किस वायसराय ने शुरू किया था, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लैंसडाउन ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर लॉर्ड रीडिंग ने। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं फिलहाल, जिसका भी यहाँ पर लॉर्ड कर्जन आ रहा है बिल्कुल सही है, जिसका नहीं आ रहा तो आप लोग याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग के सामने, इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने देश के प्रथम एड्स क्लिनिक का गठन वर्ष 1986 में किया था। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना सा बताना है कि इस एड क्लिनिक का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया था, नील रतन घर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, अपोलो अस्पताल मद्रास में, लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल नई दिल्ली में, या फिर जे जे अस्पताल मद्रास में। तो इसका राइट आंसर फिलहाल है नई दिल्ली, और इसका नाम है लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल, और ये बेसिक सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ सभी को पता ही होगा, ज़्यादातर लोगों के आंसर सही आएंगे यहाँ पर। और अब देखिए दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मेरा आप लोग के सामने, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, जैसे कि हिंदी तो सभी लोग मोस्टली जानते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी भाषा जो बोली जाती है, तो ये कौन सी होगी 65 में, आप लोग का तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तो इसका सही जवाब आप लोग का होगा तेलुगु। क्या होगा दोस्तों, तेलुगु होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत का पहला स्थायी केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, वह दूसरे स्थायी केंद्र का नाम क्या है। तो अंटार्कटिका में जो है भारत का पहला स्थायी केंद्र है जो तो आप लोग का दक्षिण गंगोत्री था, तो इस दूसरे स्थायी केंद्र का नाम क्या है, उत्तरी गंगोत्री, अनुराग, बसेरा, या फिर मैत्री। तो यहाँ पर जिसका आंसर आया है डी, बिल्कुल डी इज़ द राइट आंसर, और इसका आंसर आप लोग का है मैत्री। क्लियर हो गया इतनी बात, तो यही दोस्तों इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका नाम है मैत्री, जो कि दूसरा स्थायी केंद्र है, इसका नाम मैत्री है। अब देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र ये कहाँ स्थित है, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र ये आप लोग का कहाँ स्थित है, बम्बई, गोवा, आपका मंगलौर, या फिर मद्रास। तो ये है फिलहाल गोवा में, जो अध्ययन केंद्र है ये आप लोग का गोवा में है। चलिए अच्छा देखिए दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है, सागर की तलहटी में बहुधात्विक नोड्यूलों की खोज के क्षेत्र में भारत को 1982 से प्रमुख निवेशक का दर्जा प्राप्त है, इसी संदर्भ में भारत को इंटरनेशनल सीब्रेड अथॉरिटी के प्रिपरेटरी कमीशन ने हिंद महासागर में खनन का अधिकार दिया, कितने में, कितने लाख वर्ग किलोमीटर में, ये आपको बताना है। तो ये है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना, तो इस कितना अधिकार दिया गया, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में अधिकार दिया गया। और इसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है, भारत में समाचार पत्रों के प्रसारण की संख्या किस संस्था द्वारा सत्यापित की जाती है। क्या आप लोग जानते हैं कि जो समाचार पत्र के जो प्रसारण है इसकी संख्या कौन सी ऐसी संस्था है जिसके द्वारा सत्यापित की जाती है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। इतनी बात समझ में आ गई सभी के। चलिए इसके बाद देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया, वर्तमान में प्रकाशित होने वाला भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका जवाब आप सभी लोग जानते होंगे, इसका नाम है बम्बई समाचार, ठीक है, सबसे पुराना अखबार है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रेस परिषद के गठन का उद्देश्य समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के स्तर को बरकरार रखना तथा उनकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में सुधार करना है। तो अब तक 4 प्रेस परिषद गठित हो चुके हैं, चौथे प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, और इनका नाम है न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया, ठीक है, तो आप लोग याद रखिए इनका नाम है न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया। आइए दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में ग्राम सैट किस अवधारणा का घोतक है,
ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रस्तावित उपग्रह, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम संबंधी जानकारियों के वितरण के उद्देश्य से प्रस्तावित उपग्रह, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लोगों में दूर संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रस्तावित उपग्रह या फिर उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो आप लोग का सही जवाब है, इस क्वेश्चन नंबर जहाँ पर 72 दे रखा है, तो ये आपका जो है किसका घोतक है, ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए एक प्रस्तावित उपग्रह है, ये इस अवधारणा का घोतक है। और इसके बाद देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान कार्य मुख्य रूप से कहाँ संपादित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं आप लोग के सभी में, जो आप लोग के तीन ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, और इसका जो आप लोग का सही जवाब होगा डी होगा। जैसे कि आप लोग के आंसर भी यहाँ पर सही आ रहे हैं, तो जिनके आंसर नहीं सही आए तो वो याद रखें कि सभी अहमदाबाद भी है, तिरुवनंतपुरम भी और बेंगलोर भी है। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी का कार्य करता है, यह कहाँ स्थित है। तो यह आप लोग का हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है आप लोग का हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। इन सैट उपग्रहों के प्रचालन का कार्य कहाँ से संपादित होता है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और इसमें से दोस्तों आप लोग का जो एक सही जवाब होगा ये आप लोग को बताना है। तो इसका दोस्तों आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, तो जिसका भी आंसर यहाँ पर आया बी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन, तो यही इसका यही स्थान है जहाँ से ये दोस्तों संपादित होता है। इसका प्रचलन, इसका जो है प्रचालन का कार्य जो है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन से संपादित होता है। तो बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसके देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर 76। पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान फिल्मों एवं टेलीविजन से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण देता है, यह संस्थान निम्न में से किस विषय का प्रशिक्षण नहीं देता। अभिनय, चलचित्र फोटोग्राफी, फिल्म निर्देशन, ध्वनि रिकॉर्डिंग व ध्वनि इंजीनियरिंग। तो पढ़ने में आपको समझ में आएगा, ये फिलहाल अभिनय का प्रशिक्षण नहीं देता। किसका, अभिनय का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 77। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि इंद्र प्रथम और इंद्र द्वितीय ये क्या है। इंद्र प्रथम और इंद्र द्वितीय क्या है, भारतीय सेना का प्रक्षेपास्त्र है, भारतीय सेना का रडार है, भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर है, या फिर भारतीय सेना की नौसैनिक जासूसी नौकाएं हैं। तो ये फिलहाल जो है एक रेडार है, भारतीय सेना के रेडार जो इंद्र प्रथम और इंद्र द्वितीय दे रखा है, ये दोस्तों भारतीय सेना के रेडार सिस्टम है। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग जो जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरीके से दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। आगे भी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अपडेट लाता रहूँगा, ठीक है। तो इतना सपोर्ट आप सभी लोग मिलकर कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन के साथ। तो बने रहिएगा दोस्तों आप लोग अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में, और मैंने आप लोगों को कुछ बुक सजेस्ट कर रखे हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखे हैं। और आप लोग हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए भी लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अनअकैडमी पर मैंने आप लोगों को कुछ मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रखी हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।